गाइस यार, आप लोगों ने बहुत दिनों से कमेंट करके पूछ रहे थे कि 400 वाटेज में एक ऐसा एम्पलीफायर बताइए जो कि दो चैनल का एम्पलीफायर और साथ ही उसमें इनबिल्ट मिक्सर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाए। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अहूजा पीए मिक्सर एम्पलीफायर के बारे में, जो कि 400 वाटेज का एम्पलीफायर है जो कि आप लोग को दो जोन में देखने को मिल जाएगा। गाइस, इस एम्पलीफायर के बारे में फुल डिटेल, फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि इस एम्पलीफायर पर कितना लोड डालकर चला सकते हैं, कितना टॉप चल जाएगा, 15 इंची का टॉप कितना चलेगा, 12 इंची का टॉप कितना चलेगा, साथ ही कितना इस पे हरन चलेगा, यानी एक ही एम्पलीफायर पर हरन भी चला सकते हैं या टॉप भी चला सकते हैं या नहीं, ये भी आप लोग को डिस्कस करके इस वीडियो में बताएंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग को इस वीडियो में सब कुछ इसका डिटेल बताएंगे और इसका कनेक्शन भी बताएंगे कि कैसे इसको ऑपरेटिंग करना है और कैसे इसको चलाना सेफ रहेगा। साथ ही गाइस, आप लोग को इस एम्पलीफायर को लेने में कितना खर्च पड़ जाएगा, यानी कितना प्राइस आपके मार्केट में देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे कि इसका प्राइस कितना देखने को मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं PSTJ ब्लॉग नंबर 1। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा, क्योंकि गाइस आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है, तभी इस तरह का वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो सिंपली गाइस, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अहूजा टू जोन पीए मिक्सर पावर एम्पलीफायर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर आप लोग को TZA4000DPM देखने को मिल जाएगा। गाइस, अब हम बात करेंगे इसके फ्रंट लुक के बारे में, कि इसके फ्रंट लुक पे क्या क्या हमें स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो गाइस, इसके फ्रंट लुक पे यहाँ पर ब्रांडिंग का नाम मेंशन किया गया है और मॉडल यहाँ पर मेंशन किया गया है। जस्ट उसके नीचे आप लोग को यहाँ पर डिजिटल मीडिया प्लेयर का यहाँ पर पैनल देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग इस एम्पलीफायर में डिजिटल मीडिया प्लेयर ब्लूटूथ MMC कार्ड द्वारा, SD कार्ड द्वारा आप लोग इसमें ब्लूटूथ के द्वारा भी इसमें ऑडियो प्ले कर सकते हैं, जो कि ये काफी ये बेस्ट फीचर है, जो कि टू जोन एम्पलीफायर में भी आप लोग को ये सिस्टम देखने को मिल जा रहा है। गाइस, उसके नीचे आप लोग को दो यहाँ पर प्रेस बटन देखने को मिल जाएगा, जो कि ये दोनों चैनल के लिए ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये दिया जाता है। गाइस, अगर आप लोग इस एम्पलीफायर के वाटेज से ज्यादा आप लोग इस पे लोड दीजिएगा, तो ये स्विच आप लोग को जो चैनल का आप लोग का ज्यादा लोड आएगा तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर येलो कलर का बत्ती जलने लगेगा, तो आप लोग समझिएगा कि मेरे एक चैनल यानी जोन ए में ओवरलोड आ गया। तो पुनः इस स्विच को प्रेस कीजिएगा तो आपका ओवरलोड खत्म हो जाएगा, तो इस तरह से आपका दोनों चैनल या एक चैनल जो बंद हो जाएगा तो पुनः ओवर रन करना चालू कर देगा। यानी बेसिक सी बात समझिएगा, इस चीज का यही काम है कि अगर आपका एम्पलीफायर ज्यादा लोड में जाएगा, आप लोग इस पे ज्यादा लोड देकर बजा रहे हैं, तो ये ओवरलोड प्रोटेक्शन में जाएगा, आपका एम्पलीफायर खराब नहीं रहेगा, सेफ रहेगा, और जैसे ही स्विच को प्रेस कीजिएगा पुनः ये रन करना चालू कर देगा और शॉर्ट सर्किट भी होगा आपके स्पीकर में, तो ये ओवरलोड में आ जाता है। तो काफी ये बेस्ट फीचर है कि आपका एम्पलीफायर सेफ रहेगा, बिल्कुल ही नहीं जलेगा। गाइस, इसके साइड में आप लोग को यहाँ पर पावर ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच देखने को मिल जाता है, जैसे ही स्विच को प्रेस कीजिएगा तो दोनों जोन में आप लोग को रेड कलर का बत्ती जलेगा, तो आप लोग समझिएगा कि दोनों चैनल मेरा सेफ है, यानी चलने लायक, काम करने लायक है। अब गाइस, यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को जोन ए और जोन बी के लिए अलग अलग यहाँ पर तीन वॉल्यूम नोब देखने को मिल जाता है, जो कि एक मास्टर का वॉल्यूम नोब होता है और एक बेस का वॉल्यूम नोब होता है और एक यहाँ पर झनकार का वॉल्यूम नोब होता है। तो गाइस, यहाँ पर दोनों जोन में आप लोग को तीन वॉल्यूम नोब देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गाइस, आप लोग को एक स्विच देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, इस स्विच का यही काम है कि अगर आप लोग इस स्विच को हरन के साइड सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को जोन ए में हरन चलेगा, जैसे ही स्विच को बॉक्स के साइड कीजिएगा तो वहाँ पर आप लोग का बॉक्स चलेगा। तो गाइस, ये फीचर काफी बेस्ट है कि आप लोग ये जोन ए पे हरन चलाना चाहें तो आप लोग चला सकते हैं और जोन बी पे बॉक्स चलाना चाहें तो आप लोग चला सकते हैं। आप लोग का बहुत सारा कमेंट रहता है कि एक ही एम्पलीफायर पर हम हरन और टॉप कैसे चलाएं, तो गाइस उस केस में आपके लिए ये एम्पलीफायर काफ़ी बेस्ट है, कम वाटेज का एम्पलीफायर है जो कि काफ़ी बेस्ट है। आगे हम और इसका फीचर के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा वॉल्यूम नोब देखने को मिल जाता है, जो कि 6 माइक इंसर्ट करने के लिए वॉल्यूम नोब होता है। गाइस, ये फीचर काफ़ी बेस्ट है कि आप लोग को इस एम्पलीफायर को ऑपरेट करने के लिए छोट मोट प्रोग्राम करने के लिए, लाइव प्रोग्राम जैसे मान लीजिए हो गया हर कीर्तन प्रोग्राम हो गया या कोई और ढंग का प्रोग्राम होता है देहात साइड में, तो आप लोग को मिक्सर लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अंदर आप लोग को 6 माइक इनबिल्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग इसे 6 माइक लगाकर ऑपरेट कर सकते हैं और अपना लाइव प्रोग्राम करा सकते हैं। सभी माइक के लिए अलग अलग यहाँ पर वॉल्यूम नोब देखने को मिल जाएगा। गाइस, यहाँ पर आप लोग को OX1 और OX2 का यहाँ पर आप लोग को दो वॉल्यूम नोब देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग इसे दो आउटपुट ले सकते हैं, जो कि काफ़ी बेस्ट फीचर है। साथ ही गाइस, यहाँ पर आप लोग को USB के लिए भी अलग वॉल्यूम नोब देखने
देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर डिजिटल पैनल के द्वारा यानी चिप के द्वारा आप लोग या ब्लूटूथ के द्वारा आप लोग इस एम्पलीफायर को ऑपरेट करेंगे तो इस वाले वॉल्यूम नॉब को ओपन कीजिएगा तो आपका साउंड क्वालिटी आना चालू हो जाएगा। साथ ही गाइस उसके नीचे आप लोग को सीडी का वॉल्यूम नॉब देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग इसमें सीडी जैक के द्वारा आप लोग इसमें ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर इस वॉल्यूम को ऑपरेट करना होगा। तो गाइस इसके फ्रंट लुक पे कुछ आप लोग को इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन है। गाइस अब हम बात करेंगे इसके बैक पैनल के बारे में। तो गाइस यहाँ पर बैक पैनल पे कुछ इस टाइप से आप लोग को एयर वेंटिलेशन के लिए कुछ यहाँ पर होल देखने को मिल जाता है। साथ ही गाइस आप लोग को यहाँ पर 24 वोल्ट डीसी के लिए यहाँ पर करंट चलाने के लिए, यानी आप लोग इस एम्पलीफायर को डीसी बैटरी पर भी चला सकते हैं जो कि 12 वोल्ट का दो बैटरी लगेगा जो कि कार का बैटरी ये रहेगा। गाइस यहाँ पर आप लोग को एसी वोल्ट इसमें देना होगा जो कि 220 से 240 वोल्ट देना होगा। गाइस यहाँ पर आप लोग को जोन ए और जोन बी के लिए अलग अलग यहाँ पर स्पीकर सॉकेट देखने को मिल जाता है जो कि स्पीकर कनेक्शन के लिए आप लोग को 4 ओम और 8 ओम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और गाइस आप लोग को हॉर्न कनेक्शन के लिए 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये काफी बेस्ट फीचर है इस एम्पलीफायर में कि अगर आप लोग जोन ए पर हॉर्न चलाना चाहते हैं या बॉक्स तो चला सकते हैं और जोन बी पे आप लोग हॉर्न भी चला सकते हैं, यानी अलग अलग करके आप लोग बांट कर चला सकते हैं। तो गाइस ये काफ़ी बेस्ट फीचर है और यहाँ पर आप लोग को जोन बी में भी वैसे ही टाइप से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर आप लोग को जोन ए और जोन बी के लिए अलग अलग यहाँ पर लाइन इनपुट और लाइन आउट के लिए यहाँ पर दिया गया है जो कि काफ़ी बेस्ट है। गाइस यहाँ पर आप लोग को मोनो आउटपुट के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोग जैसे ही इस स्विच को प्रेस कीजिएगा यहाँ पर आप लोग को फ्रंट साइड में एक स्विच देखने को मिल जाता है मोनो और यहाँ पर स्टूडियो का। जैसे ही उसको प्रेस कीजिएगा मोनो पे तो आप लोग को केवल जैक ए में सिग्नल देना होगा और दोनों जोन आपका काम करेगा इजीली तरीके से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऑक्स वन और ऑक्स टू के लिए यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बेस्ट है। गाइस अब हम बात करेंगे इसके पावर आउटपुट के बारे में। तो इसका पावर आउटपुट आप लोग को 200 वाटेज पर जोन देखने को मिल जाएगा, यानी जोन ए पर भी 200 वाटेज निकाल कर देगा और जोन बी पर भी 200 वाटेज निकाल कर देगा। बट यहाँ पर कंपनी बोलती है कि 300 वाटेज तक इस पर लोड डाल सकते हैं, यानी 300 वाटेज जोन ए पर और 300 वाटेज जोन बी पर लोड डाल सकते हैं। बट गाइस यहाँ पर मेरा मानना है कि आप लोग जोन ए पर भी 400 वाटेज का लोड डाल सकते हैं और जोन बी पर भी 400 वाटेज का लोड डाल सकते हैं। मैक्सिमम मान के चलिए 700-800 वाटेज तक लोड डाल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग को मालूम होना चाहिए। इससे ज़्यादा लोड डालिएगा तो हो सकता है कि आपका एम्पलीफायर ओवरलोड में चला जाए, तो ओवरलोड नहीं जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में बात करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आप लोगों को 50 से 15,000 हर्ट्ज देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी बेस्ट है। अब गाइस हम बात करेंगे इसके नेट वेट के बारे में। तो इसका नेट वेट आप लोग को 24.2 केजी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी हैवी वजन वाला एम्पलीफायर है जो कि आप लोग को 400 वाटेज में पीए मिक्सर एम्पलीफायर देखने को मिल जाता है। अब गाइस हम बात करेंगे कि कितने प्राइस रेंज में हमको बाई करना चाहिए, कितने प्राइस रेंज में मिल जाएगा। तो गाइस इसका अप्रोक्स प्राइस आप लोग को 25,000 से 29,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि आपके मार्केट या आपके एरिया में 1,000-2,000 ऊपर और नीचे देखने को मिल जाए, तो ये मार्केट के हिसाब से ऊपर और नीचे होता रहता है। तो आप लोग वहाँ पे गाइस जहाँ पर भी रहते होंगे आप लोग वहाँ पे मैनेज कीजिएगा। तो गाइस ये 25 से 29,000 के बीच में काफ़ी बेस्ट एम्पलीफायर है। आप लोग सोच रहे हैं कि इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो गाइस इसका प्राइस ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर आप लोग को मिक्सर का इनबिल्ट आप लोग को ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि पीए मिक्सर एम्पलीफायर है। तो काफ़ी सारा इसके अंदर आप लोग को फंक्शन देखने को मिल जाता है और काफ़ी लोड लेने वाला एम्पलीफायर होता है। तो गाइस आप लोगों को थोड़ा प्राइस ऑल ब्रांड के मुकाबले इसका प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग को प्राइस ज़्यादा लग रहा है लेकिन इसका काम भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और गाइस अगर आप लोग लाइफ टाइम के लिए एक एम्पलीफायर लेना चाहते हैं 400 वाटेज में दो जोन में, तो आप लोग इस एम्पलीफायर की तरफ जा सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन एम्पलीफायर है, आप लोग को बिल्कुल ही निराश नहीं करेगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा, कोई भी फील्ड में आप लोग को प्रॉब्लम देने वाला एम्पलीफायर नहीं है। अब गाइस हम बात करेंगे कि इस पर लोड हम कैसे डालेंगे, कितना वाटेज का टॉप, कितने वाटेज का यहाँ पर हॉर्न चला सकते हैं। 200 वाटेज का यहाँ पर लोड है, मैक्सिमम 300 वाटेज का लोड है। तो गाइस यहाँ पर मेरा मानना यह है कि 12 इंची की अगर आप लोग टॉप लगाना चाहते हैं तो एक टॉप आप लोग एक जोन पे और दो टॉप दूसरा टॉप दूसरे जोन पे लगा सकते हैं जो कि आपका एक टॉप का वाटेज 400 होना चाहिए और उसका इम्पीडेंस आप लोग को 8 ओम या 4 ओम होना चाहिए।
क्योंकि गाइस आप लोग को यहाँ पर एटम और फोरम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस इस तरह से आप लोग 400 वाटेज और उसका इम्पीडेंस आप लोग को फोरम वाला टब आप लोग को लगा देना है जोन ए में, और जोन बी में भी आप लोग उसी तरह से लगा सकते हैं। अब गाइस हम बात करेंगे कि इस पे हरन और टॉप कैसे चलाएंगे। तो गाइस यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे को जोन ए में हरन चलाना है और जोन बी में हमें यहाँ पर टॉप यानी स्पीकर चलाना है। आप लोग चाहेंगे तो किसी भी जोन में हरन और टॉप चला सकते हैं अपने हिसाब से। तो गाइस यहाँ पर जोन ए पे हमें हरन चलाना है तो यहाँ पर 300 वाटेज मैक्सिमम देती है, तो 40 या 50 वाटेज का आप लोग यूनिट ड्राइवर यूनिट चलाइएगा यानी हरन, तो आप लोग मैक्सिमम इस पे 50 वाटेज का हरन आप लोग इस पे मैक्सिमम 6 से 8 हरन रन कर सकते हैं जोन ए पे, काफ़ी है बेस्ट चलेगा। अगर आप लोग 40 वाटेज का चलाएंगे तो 10 हरन चला सकते हैं, काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, 10 से 12 हरन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जोन बी पे आप लोग दो टॉप चलाना चाहेंगे तो गाइस यहाँ पर आप लोग को बता दूँ कि ए टॉम का एक टॉप आता है जिसके अंदर आप लोग को एक स्पीकर देखने को मिल जाता है 15 इंची का या 12 इंची का, तो उस टाइप का आप लोग यहाँ पर 200 वाटेज का दो टॉप लगा सकते हैं जो कि आप लोग को 12 इंची या 15 इंची में देखने को मिल जाएगा, बट उसका वाटेज आप लोग को 200 होना चाहिए और उसका इम्पीडेंस आप लोग को 8 ओम होना चाहिए। तो 8 ओम इम्पीडेंस रहेगा तो डबल पैरेलल में कनेक्शन कीजिएगा, वहाँ पे हो जाएगा वो 4 ओम और इसका आप लोग को कनेक्शन कर देना है। तो कनेक्शन कैसे करना है, जो आपका टॉप का रेड वायर है उसको आप लोग को लगा देना है 4 ओम पे, और जो उसका ब्लैक वायर है उसको आप लोग को लगा देना है COM पे जोन बी पे। अगर गाइस आप लोग को हरन का कनेक्शन करना है तो जो उसका रेड वायर है आप लोग को लगा देना है यहाँ पर 100 वोल्ट पे, और जो उसका ब्लैक वायर है उसको आप लोग को लगा देना है COM पे जोन ए पे। तो गाइस आप लोग इजीली कनेक्शन तो जानते होंगे कि कैसे इसका कनेक्शन होता है। तो गाइस इस तरह से आप लोग इस पे लोड डाल सकते हैं, काफ़ी ये बेस्ट चलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो गाइस अगर आप लोग पैसा वसूल एम्पलीफायर लेना चाहते हैं तो आप लोग इस एम्पलीफायर की तरफ जा सकते हैं, काफ़ी ये बेस्ट क्वालिटी का एम्पलीफायर है, ले सकते हैं, निराश बिल्कुल ये नहीं करेगा। दोस्तों आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का साउंड सिस्टम से रिलेटिव जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देखें। दोस्तों अगर आपके भी मन में साउंड सिस्टम से रिलेटिव कोई भी सवाल है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ। जय हिंद।